उदयपुर नव संकल्प उद्घोष हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 दिवसीय शिविर आयोजित करके समाप्त करके आपके समक्ष उपस्थित है और हमने आमंत्रित किया है शिविर में डिक्लेरेशन को पढ़ने वाले महासचिव प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी को। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। आप सब लोगों का स्वागत है। उदयपुर में नव संकल्प शिविर 3 दिवसीय का जब हमारा ख़त्म हुआ तो हमने नव संकल्प ऐलान वहाँ पर पढ़ा। आज मैं आप लोगों को संक्षिप्त के अंदर इसको कैसे हम 2-3 बड़े बड़े चीज़ों के अंदर डाल सकते हैं वो बताना चाहता हूं और साथ में शुरुआत करना चाहता हूं कि भारत जोड़ो का नारा क्यों। और भारत जोड़ो के नारे से हमारा मतलब क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कि देश के हुक्मरान हैं वो एक गलत फहमी के शिकार हैं। उनको लगता है कि भारत केवल कुछ चंद भूखंडों का ही समूह है, कुछ ज्योग्राफिकल लैंडमास इकट्ठा हो गया है, सिर्फ उसी का समूह है, उनको ऐसा लगता है। जबकि यह सच्चाई नहीं, भारत कुछ चंद भूखंडों का समूह नहीं है बल्कि भारत भारत की जनता और लोगों का समूह है, यह समझना चाहिए। और जब वो भारत के इस समूह को धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, गरीब और गरीब जब हो जाता है, अमीर और अमीर बन जाता है और इसकी खाई जब और बढ़ जाती है तो गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ने से जो भारत टूटता है, जब हमारे दलित और आदिवासी और प्रताड़ित होते हैं और दूसरे हमारी सोसाइटी के सेगमेंट्स दूसरे और हमारे जन समूह के साथ में टूटते हैं तो भारत टूटता है। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर के नव संकल्प शिविर के माध्यम से ये कहना चाहती है कि हम भारत को टूटने नहीं देंगे। भारत को तोड़ने की जो नासमझी भरी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसको नहीं हम होने देंगे, हम भारत जोड़ेंगे। तो इसलिए सुब्बा राव जी का जो गांधीयन थे उनका उनकी संस्था के द्वारा ये दिया गया नारा था, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और हमने सुब्बा राव जी की संस्था का जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा लिया और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के सभी लोग यात्राएं कर करके भारत को जोड़ने की बात करेंगे। और भारत टूट रहा है, भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, ये हम लोगों को बताना चाहेंगे। चाहे धर्म के नाम पर जब लोगों को बांटा जाए तोड़ा जाए तो भारत टूटता है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों को ये कहना चाहेंगे, विनम्रता से निवेदन करना चाहेंगे, अपनी इस कार्य को दोबारा से सोचें। ऐसा ना हो जाए कि भारत को वो इतना तोड़ दें कि भारत को जोड़ना ही नामुमकिन हो जाए, भारत के लोगों के दिलों में इतनी दरारें ना पैदा हो जाएं कि भारत को जोड़ना ही कल को नामुमकिन हो जाए। क्योंकि भारत लोगों का समूह है, सिर्फ चंद भूखंडों का समूह नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके भारत के आगे उनको जो मौका मिला है भारत को चलाने की कोशिश करें। जहां तक के इस हमारे पूरे के पूरे नव संकल्प शिविर में लोगों की सोच और जो लोग चाहते हैं उसको अगर हम सब नेता बड़े सब और छोटे सब चाहते हैं तो 2 चीजें निकल करके आती हैं आगे के भविष्य को कांग्रेस के लिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कहा अपने अभिभाषण के अंदर शुरू में और सभी जगहों के ऊपर ये निकल करके आई कि हमारे संगठन के अंदर मूलभूत ढांचे ढांचागत परिवर्तन करना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में तो है ही है, उसकी बात भी करी गई, लेकिन मुख्यतः हमारे को ढांचागत परिवर्तन हमारे को करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि जो डेमोक्रेसी के जो टूल्स हैं, जो लोकतंत्र के नए हथियार हैं, वो पिछले दशकों से जो बदल गए हैं, नए हो गए हैं,
उसके साथ में हमको कदम ताल कदम हमको मिलाना चाहिए और वो ढांचागत परिवर्तन से ही संभव है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो अभी मैं बताऊंगा कि जो हम लोगों ने जो इसके अंदर सिफारिशें करी हैं जिसका पालन हम लोग करेंगे, उसको जो है उसको इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि हमारे संगठन का ढांचा इस तरीके से हो कि हमारे नई प्रौद्योगिकी नई टेक्नोलॉजी और हम लोग कदम ताल कदम मिला सकें, जो हमारी हमारे जिस तरीके से हम लोगों का प्रौद्योगिकी के अंदर विकास हुआ है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि युवाओं का उसको उचित प्रतिनिधित्व हर स्तर के ऊपर मिले। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, ये संभव ही नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये नव संकल्प जो हम लोगों का ऐलान है उसके अंदर जो हमारा संकल्प है वो बहुत दृढ़ है। तो ये कोई केवल नव संकल्प ही नहीं है, ये दृढ़ संकल्प भी है। और ये दृढ़ संकल्प है कि हम लोग इसका पालन हर हालत में करेंगे। और जब हम कहते हैं कि 50 अंडर 50, तो 50 अंडर 50 कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर के नीचे तक के हर लेवल के ऊपर 50 अंडर 50 होगा। और ये हमारा नव संकल्प नहीं, हमारा दृढ़ संकल्प है, फर्म रिजॉल्व है। आप आगे आने वाले समय में इस चीज को देखेंगे। अभी हम लोगों की आज सुबह 11 बजे केसी वेणुगोपाल जी ने सभी जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग यहां पे लिया। एक घंटे हम लोगों ने मीटिंग के अंदर इस चिंतन शिविर के एक्शनेबल पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए। और कल दोबारा से 11 बजे हम लोगों की मीटिंग होने वाली है। और इसके बाद में बहुत ही जल्द हम लोगों का हर स्टेट वाइज हम लोगों के स्टेट्स में वर्कशॉप एक एक दो दो दिन के आगे होने वाले हैं, जिसके अंदर नव संकल्प ऐलान के इस डिक्लेरेशन के दृढ़ संकल्प ऐलान के इस डिक्लेरेशन के हम किस तरीके से पालन करेंगे इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से नीचे लेवल तक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो हमारे रिक्त पद हैं उसको 3 महीने से 6 महीने के अंदर भरे जाएं, जितने भी रिक्त पद हमारे हैं। तो हमारा इलेक्शन चल रहा है तो हमारे इस इलेक्शन के साथ साथ में ये हो जाएगा। इसी के साथ में हम लोगों के मंडल कमिटीज़ ब्लॉक्स और प्राइमरी जो बूथ यूनिट्स हैं उसके बीच में पूरे देश भर के अंदर बनाए जाएँ। इसके लिए जिन जगहों पे इनके इलेक्शंस हैं, केरल में इनके इलेक्शंस होते हैं, बाकी जगहों पे नहीं होते, तो वहाँ पे हम लोग प्रदेश की तरफ से इसको बहुत जल्द बनाएंगे। और 3 नए डिपार्टमेंट्स, एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये तीनों की स्थापना भी हम लोग जल्द कर रहे हैं। और ये पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट हमारे साइंटिफिक सर्वेस करेगा ताकि हमारे हर लेवल पे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमको किस तरीके से आगे पार्टी को लेकर के जाना है, इश्यूज़ के ऊपर हमारी क्या सोच और क्या रिस्पांस होना चाहिए। फिर हमारे पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन भी होना चाहिए और उसके लिए क्या टास्क होंगे और कैसे इवैल्यूएशन उनकी करी जाएगी, ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होगा। इस चीज़ की भी चर्चा हमने आज करी। हम सब लोगों की भी, इवन जनरल सेक्रेटरी JICC की भी और नीचे हरेक के काम की इवैल्यूएशन हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में होगा। टास्क बनाए जाएंगे और उसको हम लोगों को अचीव करना पड़ेगा और यही नीचे लेवल तक से लेकर के ऊपर लेवल तक के सब जगह के ऊपर ये होगा। 1 पर्सन 1 पोजीशन, इसके लिए भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को कहा है। जब हम स्टेट्स में जाएंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और 5 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे नहीं रहेगा, इसके लिए भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर लेवल पे जो भी व्यक्ति 5 साल तक के रहा है अपनी पोस्ट के ऊपर उसको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि वो उस पोस्ट के ऊपर आगे नहीं रह सके। हमने इसमें यह भी कहा है कि AICC का सेशन हर साल एक बार कम से कम हो और स्टेट कांग्रेस कमिटीज का भी हर साल कम से कम एक सेशन जरूर हो। और 9 अगस्त से 75वें वर्षगांठ आज़ादी के इसको मनाने के लिए 75 किलोमीटर पदयात्रा हमारे लोग करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि भारत जोड़ो की यात्रा पूरे देश भर के अंदर हम लोग निकालेंगे और भारत जोड़ने की बात हम लोग कहेंगे। तो ये मैं मोटा मोटी आपको 3 चीज़ों के लिए मैंने कहा कि भारत जोड़ो हमने क्यों, क्या सोच के भारत जोड़ो का नारा दिया और सुब्बा राव जी के इस नारे को हम लोगों ने क्यों लिया और कैसे हमारे यूथ हम लोगों ने आह्वान किया है। और यूथ को फिर से मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रही है और इलेक्शन अथॉरिटी को से भी बात करके और हमारे इस नव संकल्प के ऐलानों को भी उनसे बात करके कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे आगे आने वाले इलेक्शंस में इसको इंश्योर किया जा सके और संगठन के अंदर कैसे ढांचागत स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें करे जाएंगे, इसके ऊपर भी कार्रवाई हम लोगों की शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि हमारे जिस भी लेवल के ऊपर इलेक्शंस अंडर प्रोसेस हैं तो वो तो इलेक्शंस के साथ में ही होगा। दैट इज़ व्हाई आई हैव सेड दैट द इलेक्शन अथॉरिटी हैज़ बीन सेंसिटाइज्ड, इज बीइंग सेंसिटाइज्ड फॉर दीज चेंजेस व्हिच हैव टू बी मेड, लाइक दे हैव टू इंश्योर द पीआरओज एंड द डीआरओज एंड बीआरओज, दे हैव टू इंश्योर दैट 50% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन एवरी रिस्पेक्ट हैज टू बी less than 50 years old. So it is possible only if it takes place there, because if suppose the PCC office bearers, we want them to be less than 50% to be less than 50, for that we need 50% PCC members to be less than 50 years old. Similarly for AICC working committee, if we want 50% less than 50 the working committee, then AICC member should be less than 50 years, 50% AICC member should be less than 50 years. So for that purpose the central election authority has to be sensitized, and because at that level these things have to be taken care of so that it can be implemented. So all it has been set in motion. That is what I am trying to tell you. All everything what we have decided in Chinta, it is not that, it is not just Nav Sankalp, it is Drid Sankalp. So this is going, we are going to follow it in true letter and spirit. ऐसा कि जो इसका अगर हम एडवाइजरी कमेटी अभी भी बन सकती है, बट दी ओनली थिंग इज इट वॉन्ट बी 50-50 लेस देन 50, बिकॉज वॉट वी वॉन्ट इज दैट एट ऑल द लेवल्स इट शुड बी 50 लेस देन 50. सो आई डोंट थिंक एनी वन इन द मेन CWC इज लेस देन, इवन प्रियंका जी टर्न 50 इन जनवरी दिस ईयर. सो ऑल सच थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव डिसाइडेड दीज थिंग्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. So at this juncture, that is why I am asking all the youngsters to please join this election process of the Congress, because there's a huge opportunity for the youngsters to get into different committees at different levels. देखिए मैं इसमें दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा. सबसे पहले तो ऐसे समय पे ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? आज देश के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स आज आया है 15.08%. इट इज़ हाईएस्ट एवर. 15.08% इज होलसेल प्राइस इंडेक्स आज अभी रिलीज हुआ जब मैं आ रहा था यहाँ पे. महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर, बेरोजगारी चरम सीमा पे है. रुपया आज गिर करके इतना नीचे पहुंच गया कि सबसे लोएस्ट रुपए की कीमत आ गई है. श्रीलंका के अंदर हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत भी श्रीलंका जैसे हालात भारत के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं. तो ऐसे समय के ऊपर आज हम लोग इन सब चीजों की तरफ से लोगों का ध्यान हटा करके दूसरी तरफ लेकर के जाना, यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है. और साथ साथ इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर है, वहां पर इसको देखा जा रहा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा. हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले भी किए हमने उसको माना है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर वाला जो फैसला किया था वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत लिया था. और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जो आज़ादी के समय पर जब भारत जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो उस वक़्त जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिस स्थिति में थे वो यथास्थिति में रहेंगे. ये हमारा 1991 का पार्लियामेंट का एक्ट कहता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने
राम मंदिर की जजमेंट दी थी जिसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था। तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक जजमेंट, उसके तहत दी गई जजमेंट आपको मंजूर होती है, तो बाकी जजमेंट भी उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत में होनी चाहिए और उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत में उसको देखा जाना चाहिए। लेकिन हमारे मेन इसके अंदर मुख्य बात यह है कि ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी संगठन हैं वो जानबूझ करके ऐसे समय के ऊपर उठा रहे हैं जिस समय के ऊपर आज भारत के अंदर बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, रुपए का अमूल्यन सबसे नीचे हो चुका है। तो ऐसे समय पे जानबूझ करके उठाया जा रहा है ताकि हमारे देश के अंदर लोगों का ध्यान जो असली समस्याएं हैं उससे हटा करके, युवाओं का ध्यान असली समस्याओं से हटा करके दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान उनका केंद्रित करा जा सके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई और कारण नहीं है। देखिए, उन्होंने टाइमिंग पे भी उठाया और उन्होंने कहा है कि इससे पहले तो उन्होंने कभी भी ये FIR भी उन्होंने नहीं देखा है, तो इस वजह से उन्होंने इस पे टाइमिंग पे सवाल उठाना भी जाहिर है। और साथ में जब उन्होंने FIR भी नहीं देखा और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके यहाँ से कुछ मिला भी नहीं है। संगठन के लिए, ये तो संगठन के लिए है। नो, इट इज जस्ट द डिसीजन इज ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग ऑल एवरीवन है। नो, आई थॉट यू आर आस्किंग प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी। प्रेजिडेंट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजिडेंट डज नॉट हैव द टर्म लिमिट। इट इज ओनली द प्रेजिडेंट विच इज एग्जेम्प्टेड, दिस इज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी कांट डू एनीथिंग विच इज other than the constitution, but for general secretaries, I thought you are saying present general secretary. So present general secretaries, they fall under anyone. Like one of the general secretary, he said that he's in this meeting, he said that he has been in this post for last more than 20 years, so he has to resign 4 times. मैंने पूरी स्पष्टता से ये कहा है कि ये सिर्फ संगठन के लिए है, सिर्फ संगठन के लिए है, पूरी स्पष्टता से कहा है। नहीं नहीं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए, पार्टी हमने ये नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और ये गलत है। ये ध्यान भटकाने के लिए मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सभी चीज़ें करेंगी। रणदीप सुरजेवाला जी ने भी ट्वीट किया है अभी और पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है और हम ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। टाइमिंग इस तरीके से है ताकि लोगों का ध्यान बांटा जा सके जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे। और एकदम से चिदम्बरम साहब 2010-11 तक के होम मिनिस्टर थे, अब जाकर के 2022 में 12 साल बाद में जाकर के ये करा जा रहा है, तो ये टाइमिंग तो ये 12 साल बाद में क्यों एकदम से आए? इट व्हाट आई हैव सेड इज इन द बिगनिंग दैट द बीजेपी लीडर्स may be in their innocence or may be as a conspiracy, when they are dividing the people of India, they are dividing the country. When they divide people on the basis of religion, on caste, they break the country, because India is just not a group of landmass. India is a group of people. So when you divide this group of people in the name of religion, when you divide this group of people in the name of rich and poor, the disparity is growing. Rich and the difference between rich and poor is growing.
the Dalits and Adivasis, they are feeling aggrieved because they are not feeling part of the society. So when people of India are divided, then India is breaking. When you break the unity of the people, then you break the country. So country is not a landmass which has to be put as one. Country consists of people. So this is what I am requesting the BJP. So they should kindly re-look into the way they are functioning. They should kindly re-look into the way they are governing. Because they are ensuring that people of India are divided. When you divide the people of India, you divide the country. And that is why we have come up with Bharat Jodo, Subha Rao's Nara, renowned Gandhian slogan. He said, Jodo Jodo, Bharat Jodo. That was his slogan. So we have taken this slogan from Subha Rao ji's organization. And we are going to carry out yatras throughout the country, asking people to be together. Bharat Jodo is not, unifying just landmasses. It is unification of the people which is more important. This is what the BJP is. So we are requesting BJP, so kindly don't divide people to the extent that it would take generations for the people to reunite again. चिंतन शिविर के जो 6 सब्जेक्ट्स थे उसमें से कोई भी सब्जेक्ट राहुल जी को अध्यक्ष बनाने के बारे में नहीं था. तो ये इलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा है, तो इलेक्शन के प्रोसेस में इंडिविजुअल्स के बारे में चिंतन शिविर के अंदर नव संकल्प शिविर में कैसे कोई निर्णय लिया जा सकता है. धन्यवाद. थैंक यू.